वाहन चोरों की गैंग से पुलिस की मुठभेड़, दो बदमाश घायल एक गिरफ्तार। सेक्टर 24 इलाके में हुई मुठभेड़, बदमाशों के पास से कई गाड़ियां तमंचे बरामद। तो नोएडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि नोएडा में ये गैंग काफी वक्त से सक्रिय था, जो लगातार गाड़ियों को बाहर जाकर बेचता था, गाड़ियों की चोरी किया करता था। उस पर उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ एडीसीपी रणविजय सिंह नोएडा से जुड़ चुके हैं, नोएडा जोन के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कितनी बड़ी ये कामयाबी आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तीन बदमाशों को आपने पकड़ा है। इस गैंग के सक्रिय होने की काफी लंबे समय से आपको जानकारी मिल रही थी। धन्यवाद जी। जी आपने एकदम सही कहा, ये बहुत ही शातिर वाहन चोर थे और इन लोगों ने अपने वाहन चोरी की घटनाओं में अप्रत्याशित तरीके से, अगर आप देखें तो मतलब इन्होंने की थी। पूरे एनसीआर में इनका नेटवर्क था और जैसा कि आपने बताया कि उसको वाहन को चोरी करने के बाद उसको डैमेज कर देना, उसको कटवा करके उसके पार्ट्स को बेच देना, इस गाड़ियों को ऑन डिमांड सप्लाई करना, इस तरह के धंधे में लिप्त थे। और इधर एनसीआर के जनपदों में मोर देन डोजन्स मुकदमे इनके खिलाफ हैं और ये दोनों ही मेरठ के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस नेटवर्क में और लोग भी हैं जिनका बहुत ही बड़ा आपराधिक इतिहास है और ये सारे के सारे लोग मिलकर के पूरा एक नेटवर्क बना करके पूरे एनसीआर में वाहन उठा रहे थे। इस प्रकार ये बहुत बड़ी कामयाबी है 24 की और वहाँ एसीपी और SO24 की टीम ने इन दोनों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बाकी थर्ड जो था वो भागने की कोशिश कर रहा था, कोम्बे में उल छोड़ा गया है। एक गाड़ी जो इनके पोजीशन से उस समय इस गाड़ी में भाग रहे थे, वो गाड़ी भी संभवतः चोरी की है, उसका पता लगाया जा रहा है। जी, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए इन चोरों को पकड़ने का? और अभी भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एनसीआर में पूरी जगह इनका जो गैंग है वो पसरा हुआ है, तो और लोगों की भी तलाश जारी रहेगी, तो वो कितना चैलेंजिंग होगा उन लोगों को पकड़ना? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज था, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे एनसीआर में ऑटो लिफ्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम सब लोग इसमें हमेशा प्रयासरत रहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन भी होता है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है, हमारी टीम है, आसपास के जनपदों की टीम कोऑर्डिनेट करके, चूंकि इनका एक नेटवर्क ऐसा है कि दिल्ली से उठा के कहीं इधर शिफ्ट करेंगे, उधर से इधर शिफ्ट करेंगे, फिर इनके पास कुछ एक डिस्पोज करने वाले, गाड़ियों को डिस्पोजल करने वाला एक अलग ग्रुप रहता है, उसमें लग जाते हैं। तो ये चैलेंजेस तो है ही और आगे भी चैलेंज रहेगा। और बाकी जो लोग हैं इसमें से, हम लोगों ने कुछ लोगों को पहले भी भेजा है, जैसे कल जो एक फुटबॉल में गोली लगी थी उसका एक भतीजा ही बहुत बड़ा शातिर वाहन चोर है, पता नहीं कितने मुकदमे, खुद ही याद कहता है कि पता नहीं मेरे खिलाफ कितने मुकदमे होंगे, तो वो डॉक्टर वाई कच्चा छा है। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ा गैंग है और बहुत लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है, बहुतों पर हम लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं हम लगातार, और बाकी जो बचे हैं उनको भी वो जल्दी हम राउंड अप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेशक जिस तरह से बताया, एडीसीपी नोएडा जोन के थे रणविजय जी, ने उन्होंने बताया कि नोएडा यानी कि एनसीआर परिसर में इस तरह का गैंग पसरा हुआ है और ये गैंग लगातार कार चोरी की वारदातों को अंजाम देता था, गाड़ियों के पार्ट्स बेचने के जो आपने तमाम कारनामे सुने होंगे, इस तरह का ये गैंग था जिसमें ये गैंग कार चोरी करके उसे उसके पार्ट्स बेच देता था, उसे अवैध रूप से बेचा जाता था। इसमें काफी लोगों के सक्रिय होने की जानकारी मिल रही है, तो लगातार इनकी धरपकड़ के लिए नोएडा पुलिस अभियान चला रही थी जिसमें तीन शातिर बदमाशों को पकड़ा गया। हालांकि दो के पैर में गोली लगी है जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, वहीं एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और नोएडा यानी कि एनसीआर सेक्टर में इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार एडीसीपी नोएडा जोन और तमाम एसपी इस पर लगे हुए हैं और अभियान जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने